उस अलौकिक दीप का प्रज्वलन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कमलनाथ जी के कर कमलों से हो रहा है। साथ में है श्रद्धेय बाला बच्चन जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन गृह जल एवं प्रभारी मंत्री जिला इंदौर, माननीय सचिन सुभाष जी यादव, मंत्री मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, माननीय तुलसीराम जी सिलावट, मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और माननीय जीतू जी पटवारी, जिन्होंने अपने क्षेत्र को आज इस आयाम को, इस आयोजन को आयोजित करने का गौरव प्रदान किया। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और ये दीप की आज जो बाती प्रज्वलित हो रही है, विकास का पहला दीप, आने वाले समय में निश्चित तौर पर राव रंगवासा विकास की नई कहानियों को इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगी कि अपने सभी सम्माननीय साथियों के साथ विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर आज के इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि कमलनाथ जी से अनुरोध करूंगी और उनको सहयोग करने के लिए श्रद्धेय बाला बच्चन जी, सचिन सुभाष जी यादव, तुलसीराम जी सिलावट, जीतू जी पटवारी जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर आज जो सौगात राव रंगवासा को मिल रही है उन सभी कार्यों का लोकार्पण यह बटन दबाकर करें। और जोरदार तालियां राव रंगवासा, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आप लोगों की ओर से इस सौगात के लिए बजनी चाहिए जो राव रंगवासा के जनमानस को मिली है। मेरे हिसाब से शायद आप लोग खड़े होकर अगर ताली बजाएंगे तो निश्चित तौर पर आज की ये सौगात आपको जो मिली है वो सफल है। लीजिए, बटन दबाते से ही पर्दे के खुलते आपकी सौगातें आपके सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथि देवो भाव के भाव को पल्लवित पोषित करते हुए मैं माननीय जीतू जी पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धे माननीय कमलनाथ जी का स्वागत सूत की माला के साथ करें। एक नई परंपरा का और आगाज, पुष्पों के स्थान पर हमने आज किया है स्वागत इस सूत की माला के साथ। इस सूत की माला का हर धागा मन में स्वागत के भाव को पिरोए है और हमेशा यादगार पलों को संजोएगा। मैं माननीय जीतू जी पटवारी जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय बालाजी बच्चन जी का स्वागत करें, माननीय सचिन सुभाष जी यादव जी का स्वागत करें, वहीं खड़े रहो, माननीय तुलसीराम जी सिलावट जी का स्वागत करें, और मंच पर जितने वरिष्ठ हमारे सम्माननीय हैं आप सभी का स्वागत करें। और शंकर यादव जी का स्वागत आपके द्वारा किया जा रहा है, माननीय कृपा शंकर शुक्ला जी का स्वागत आपके द्वारा किया गया, विशाल पटेल जी का स्वागत कर रहे हैं लेकिन विशाल पटेल जी का यह सर देता है, फौजिया शेख अलीम जी का स्वागत किया गया। सम्मान की इस कड़ी में सभी का स्वागत, पंकज संघवी जी का स्वागत आपके द्वारा किया गया, ये सहृदयता सहजता है। और मैं राव रंगवासा क्षेत्र के नागरिकों को आमंत्रित कर रही हूँ, वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सबकी ओर से करें। और जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष सदाशिव यादव जी से अनुरोध करूंगी कि अपने साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट कर स्वागत करें। और आमंत्रित कर रही हूँ स्वागत उद्बोधन की श्रृंखला में ये हम सब की स्नेह का प्रतीक, हमारे राव रंगवासा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा अपने मन के भावों को इस पुष्पों के माध्यम से श्रृंखला में पिरोकर इस पुष्पहार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। और जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष सदाशिव यादव जी द्वारा अपने साथियों द्वारा एक स्मृति चिन्ह स्नेह का प्रतीक माननीय मुख्य अतिथि को भेंट किया गया। स्वागत उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपने मन के भावों को
स्वागत की वाणी में पिरोकर स्वागत उद्बोधन हेतु आज के इस आयोजन के आधार स्तंभ और राव रंगवासा को यह आयोजन देने वाले कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय जीतू जी पटवारी जी को कि वे आए और आपके मन के भावों को हम सबके समक्ष रखें। जरा ऐसा चुप ही जाओ जरा। भारत माता की। भैया इधर के शांत रहो सब। ये सब हो गया फिर से बुलाएंगे। हो गया अभी सब आराम से ही जो जरा इधर से हटो सब। ये अभी बुलाएंगे भैया। रुको जरा सुरेश दा रुको। भारत माता की। फिर से एक बार भारत माता की। आदरणीय परम सम्मानित यहाँ उपस्थित सभी ये हार लेके जो खड़े हैं बुलाएंगे। शांत रहो बस हो गई बात। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का पुष्पमाला से राव विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा अभिनंदन। जोरदार तालियां बजाकर आप इटके सहभागी बने। इतनी जोरदार तालियां बजाएं आपके तालियों की आवाज उस शीर्ष को स्पर्श करे जिस शीर्ष को बड़ी आन और मान शान के साथ कमलनाथ जी ने स्पर्श किया है। शुभारंभ करवाएं और इस शुभ लाभ जो ई कृषि क्रांति की पहल है कृषि के क्षेत्र में गेहूं में धन सिंह, चना में राम गोपाल जी, प्याज में दुले सिंह जी, लहसुन फसल में राधेश्याम जी और आलू फसल में जगदीश जी को यह एप कार्ड प्रदान कर हमारे मुख्यमंत्री अतिथि के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। और अब हम इस ऐप के लॉन्च मोबाइल बैंकिंग इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इंदौर द्वारा मोबाइल बैंकिंग सुविधा का शुभारंभ किया जा रहा है। इस प्रकार बैंक के खाता धारक मोबाइल से राशि का ट्रांसफर अन्य व्यक्ति के खातों में करा सकेंगे। इस सुविधा से बैंक के 1,50,000 ग्राहक इसका लाभ ले सकेंगे। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे। जय किसान ऋण माफी योजना में राशि प्रदाय करने के लिए मैं हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी और मंच पर हितग्राहियों को आमंत्रित कर रही हूं। क्रमबद्ध तरीके से आए बाबू सिंह अमर सिंह पटेल राव, बाबू सिंह अमर सिंह पटेल राव जिन्हें 85,591 की राशि का ये दिया जा रहा है, प्रहलाद हरिराम मंडले, घनश्याम जगन्नाथ चौधरी, राम रतन कालू जी शुक्ला, रामचरण रामनाथ, चिंतामण बद्रीलाल जी, रमेश धूलचंद्र जी, दयाराम सरदार जी, लोकेश सत्यनारायण जी, नरेंद्र शंकरलाल वर्मा जी, बद्रीलाल सिद्धनाथ जी, ज्ञान सिंह परमानंद जी, राजेंद्र बाबूलाल जी, शोभा अंबाराम जी, नारायण पटेल जी, कमल बड़वाल जी, देवेंद्र परमानंद दुबे जी, बंशीलाल भेरा जी, ये सभी जय किसान ऋण माफी योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अपना सम्मान अधिकार पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात कृषि अभियांत्रिकी जिला इंदौर हम
दो हितग्राहियों को ट्रैक्टर की चाबी वितरण हेतु अनुदान प्रदान कर रहे हैं और प्रतीकात्मक तौर पर उन्हें प्रदान किया जा रहा है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ संतोष करण सिंह जी, उमराव सिंह जी। और इसके पश्चात आमंत्रित कर रही हूं हितग्राही मूलक योजना के हितग्राहियों को, और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि उन्हें जन कल्याण नया सवेरा संबल योजना अनुग्रह राशि का वितरण, और मंच पर आमंत्रित कर रही हूं कमला पति स्वर्गीय कृष्णा भिलवाड़ा संजय नगर। तत्पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना राशि का वितरण विमलाबाई पति सीताराम जी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण भैया आप सभी से गुजारिश है शांति व्यवस्था बनाए रखें।